28 अप्रैल कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। हर कोई अपने घर से काम के लिए जब निकलता है तो वो उस घर का कमाने वाला या उस घर का एक जीविका का साधन होता है। जिस कार्यस्थल पर वो काम करने जा रहा है वहाँ उसको कितनी सुरक्षा है और उसके प्रति वो कितना सचेत है या कार्यस्थल पर उसको कितनी सुरक्षा दी जा रही है, इसी के लिए आज का ये दिन चुना गया है। विश्व भर में 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। काम के दौरान होने वाले हादसों और बीमारियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी अभियान में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने एवं उनको उचित उपयोग के लिए उनकी क्षमता में सुधार हेतु फोकस किया गया है। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विश्व में कार्यस्थल पर किसी प्रकार की दुर्घटना एवं बीमारियों से बचाव का प्रसार करती है ताकि वे कार्यस्थल पर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। प्रत्येक वर्ष 317 मिलियन लोग कार्यस्थल पर ही दुर्घटना के कारण मारे जाते हैं। 28 अप्रैल ऑल्सो द इंटरनेशनल कॉमेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड वाइड बाय द ट्रेड यूनियन मूवमेंट सिंस 1996। इट्स पर्पस इज टू ऑनर द memory of victims of occupational accidents and diseases by organizing worldwide mobilization and awareness campaign on this date, World Day for Safety and Health at Work. जब भी कोई व्यक्ति घर से कार्य के लिए निकलता है अब उसकी जिम्मेदारी इस COVID-19 में बन जाती है कि वे स्वयं भी सुरक्षा के सारे मानकों का पालन करें। यदि वो ये बीमारी अपने साथ कैरी कर रहा है तो ये भी अन्याय है तथा कानून के अंतर्गत आता है, तो उसका यह फर्ज बन जाता है कि वो अपने आप को भी सुरक्षित रखे और अपने साथ कार्य करने वाले सहकर्मियों की सुरक्षा का भी पूर्ण ध्यान रखे। लाखों लोग आज इस COVID-19 महामारी के दौरान घर से बाहर कार्य करने के लिए निकल रहे हैं। हर व्यक्ति का ये दायित्व बन रहा है कि वह मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करे और अपना बचाव भी खुद ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करे और दूसरों को भी अपने से यदि किसी प्रकार का संक्रमण है तो संक्रमित नहीं करे, क्योंकि अब ये एक हमारा सामाजिक दायित्व भी बन जाता है। तो आज का ये दिन 28 अप्रैल उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने कार्यस्थल पर अपने लोगों को, अपनों को खोया है, तथा वे सजग हो जाएं और इस बारे में सब लोग एक तरीके से प्रण कर लें कि यदि सुरक्षा का पालन करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करेंगे तभी ये समाज आगे बढ़ पाएगा और इस महामारी के युग में ऊपर उठ पाएगा। कहाँ जाए हम ये पता है कभी, इस जहाँ में तुमको कि हमारा नहीं, इस जहाँ में तुमको कि हमारा नहीं। अपने साए से भी लोग डरने लगे, अब किसी तो किसी पर भरोसा नहीं, अब किसी तो किसी पर भरोसा नहीं, अब कहाँ जाए हम। हम घर घर जाते हैं ये दिल दिखलाते हैं, पर ये दुनिया वाले हमको ठुकराते हैं।
हम घर घर जाते हैं ये दिल दिखलाते हैं पर ये